प्लीज आप समझने की कोशिश करें, मुझ पे बहुत प्रेशर है। अच्छा तुम समझने की कोशिश करो, तुम्हारी तरफ से इतनी सख्त शराइत पूरी करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। शराइत सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे माँ बाप की भी है, वो हमारी शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। कहीं तुम्हारे माँ बाप इतनी सख्त शराइत रख के ये तो नहीं चाहते कि हमारी शादी ना हो? अगर ऐसा होता ना हमीद, तो आप इस वक्त इस घर में ना बैठे होते। लेकिन अक्सा मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, तुमसे मेरी शादी के लिए मुझे अपनी पहली बीवी को तलाक देना क्यों ज़रूरी है? हालांकि उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, मेरे बच्चे भी मरी में हॉस्टल में रहते हैं, सिर्फ वेकेशन पे आते, मैं खुद साल में उनसे 2-3 दफ़ा मिलता हूँ। मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि मैं दूसरी बीवी बन के नहीं रह सकती। और इस शादी में शिरकत के लिए मेरे घर वालों का होना वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे इज्जत से रुखसत करना चाहते हैं। आपके घर वाले बारात लेकर आएंगे तभी तो हमारी शादी बाइज्जत कहलाएगी ना। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँ। मोहब्बत में कोशिश नहीं करते, बस कर गुजरते हैं। अम्मी जान आदाब। तस्लीमात। बैठो। अम्मी वो मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। क्या दूसरी शादी इस उम्र में? अब तो बेटी भी जवान होने वाली है। अम्मी शादी का उम्र से क्या ताल्लुक? सही कह रहे हो, शादी का उम्र से ताल्लुक नहीं, पैसे से ही है। वो मुझसे मोहब्बत करती है। अच्छा, और वो जो 20 साल से तुमसे मोहब्बत करती है उसका क्या, उसका भी कोई कसूर बता दीजिए। अभी नफीसा से शादी आप लोगों ने अपनी मर्जी से करवाई थी, मैं नफीसा से मोहब्बत नहीं करता। चलो ठीक है, हमने शादी करवाई थी ना, हम ही निभा लेंगे। तीसरी शादी करने के लिए मुझे नफीसा को तलाक देनी होगी। शादी हमने करवाई है और तलाक तुम दोगे? शर्त रखी है अपने। शर्त? बच्चों पे क्या शर्त रखी है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं का क्या मतलब है? अरे अम्मी कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, मेरा सर वैसे ही दर्द से फटा जा रहा है। मैंने आपसे कह दिया मुझे शादी करनी है तो बस शादी करनी है। देखो बेटा, तुम खुद अपने ऊपर भी जुल्म कर रहे हो, औलाद पर भी, और हम अम्मी सब... आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही है। तुम खुद नहीं समझ रहे हो इन बातों को। कुछ कहना चाहती हो? बोलो। मुझे तलाक दे रहे हो? तुमसे किसने कहा? इस घर की दरो दीवार हर एक शय चीख चीख के कह रही है। मम्मी ने तुमसे कुछ कहा है? वो क्या कहेंगी कि उनका बेटा मुझे तलाक दे रहा है? बस घर वाले कुछ खास ख्याल रखने लगे हैं, कोई नजर ही नहीं मिला पा रहा, जो इस बात की गवाही है कि तुम्हारा रवैया क्या है।
हाँ नहीं, देखो नफीसा, मैं तुम्हें तलाक देना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई मजबूरी हो गई तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 20 साल बाद मजबूरी? ये कैसी मजबूरी है? ना ही तुम समझ सकती हो और शायद मैं तुम्हें समझा भी नहीं सकता। कैसी है वो, क्या उम्र है उसकी? कौन? अक्सा की। तुम्हें कैसे पता? अच्छा सवाल है। जब इंसान झुककर सब कुछ करता है ना, तो वो समझता है कि सब खुफिया है, लेकिन मालूम सारे शहर को होता है। नफीसा बेगम, जब तुमको सब कुछ मालूम ही है तो इतना परेशान क्यों हो रही हो, मुझसे क्यों पूछ रही हो? जो चीज अपनी हुई ही ना, तो परेशानी कैसी? बच्चों के बारे में सोचा? हाँ, तुम्हारे पास रहेंगे। हाँ, अब हमारे बच्चे अब मेरे पास रहेंगे। अम्मी फरीद, मुझे आप दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए आप लोगों को यहाँ बुलाया। बेगम साहब, पानी। हाँ, अच्छा आप खाना गर्म करके लगाएं, हम लोग नीचे आ रहे हैं। जी बेटा। अम्मी, आप लोग मेरी मदद करें, आप लोगों की शिरकत के बगैर उसके वालदैन शादी करने पर तैयार नहीं है। वाह हमीद वाह, हमारे ही घर में आग लगा रहे हो और माचिस की डिबिया भी हमसे ही मांग रहे हो। अम्मी, आपके घर को कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ एक दिन की तो बात है। इज्जत से उसे इस घर की बहू बना कर ले आइए, उसके बाद वो अलग ही रहेगी। अब इज्जत भी शरायत पर दी जाएगी। आप दोनों की यही जुमलेबाजी ना मेरे दिलो दिमाग को काट कर रख देती है। हमीद भाई, ये जुमलेबाजी नहीं है, जिंदगी का सच है, और ये एक ऐसा सच है कि जिसे आप सामना करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। फरीद यार, तुम तो मेरे छोटे भाई हो, तुम तो समझो यार, मैंने भी तो तुम्हारा हर मुश्किल वक्त में साथ दिया है, प्लीज प्लीज मेरा साथ दे दो। हमीद भाई, आपने महाज ही ऐसा खोल दिया है कि। देखो हमीद, नफीसा हमारी बहू थी, बहू है और बहू रहेगी। मेरे पोता पोती की माँ है, तुम उसके मज़ार पर कितना ही हसीन ताजमहल बना लो, हमारे लिए वो कब्र ही रहेगी। देखिए हमीद भाई, रिश्ते निभाने से होते हैं, और जो रिश्ता हमारे माँ बाप ने बनाया है, अगर वो रिश्ता आप 3 अल्फाज में तोड़ भी दें, तभी हमारा रिश्ता भाभी से नहीं टूट सकता, क्योंकि भाभी इस घर की बहू हैं। ठीक है, तो फिर आप लोग इस शादी में शिरकत नहीं करेंगे, ये आप लोगों का आखिरी फैसला है। ये सिर्फ हमारा आखिरी फैसला ही नहीं, आखरत का भी फैसला है। अम्मी, मुझे नहीं लगता कि ये हमारी बात समझेंगे। बेटा, वालदैन का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, और मैं अपनी आखिरी सांस तक अपने इस फर्ज को निभाऊंगी। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। मैंने पूरी कोशिश करके देख ली, लेकिन मेरे घर वाले नहीं मान रहे शादी में शिरकत करने के लिए। मान नहीं रहे?
तो अकेले आदमी की बारात को हम कैसे अपनी बेटी भी याद है? जो चीज मेरे बस में नहीं है आप लोग उस पे इतना इसरार क्यों कर रहे हैं? अरे भाई, हमें भी खानदान वालों को मुंह दिखाना है। आप लोग मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? आप ही बता दीजिए मैं क्या करूँ, जोर जबरदस्ती करूँ, अपने घर वालों के सर पे पिस्तौल रखूँ और बोलूँ मेरी शादी में शिरकत करें? देखो मीना, ये बात तो हमें करने से पहले तुम्हें सोचनी चाहिए थी। अगर तुम्हारे बस में नहीं था तो हमें पहले बता देते, बात वहीं खत्म हो जाती। अरे मुझे खुद भी नहीं पता था कि मेरे घर वाले शादी में शिरकत से इनकार कर देंगे। आप लोग खुद भी तो सोचिए कि आपकी शर्तों में कितना तादाद है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं उनकी बहू और भाभी को तलाक दे दूं और दूसरी तरफ आप मेरे घर वालों को शादी में शिरकत के लिए जोर भी दे रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम्हारे घर वाले हमारी अक्सा को ना ही बहू तस्लीम करेंगे ना ही भाभी। देखिए वक्त और हालात एक जैसे नहीं रहते, सब कुछ बदल सकता है। और मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कौन सा उन लोगों के साथ रहने का शौक है। हाँ तो बस फिर बात यहीं खत्म हो जाती है। देखो मियां, कुछ भी कर कर एक दिन के लिए अपने खानदान वालों को ले आओ, तो चाहे उन्हें बता दो कि उसके बाद अक्सा का और हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा। अरे हमें तो इज्जत से बेटी ब्यानी है। ठीक है, मैं एक बार फिर कोशिश करके देखता हूँ। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी बात मान लीजिए, आप शिरकत कर लीजिए शादी में, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे हमें सिर्फ 2-3 घंटे की तो बात है, उसके बाद आप लोग अपने घर आ जाइएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे दोबारा फिर कभी नहीं बोलूंगा उन लोगों से मिलने के लिए, लेकिन प्लीज प्लीज मेरी खातिर हम एक लम्हे को भी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। और तुम हमें 2-3 घंटे का कह रहे हो, ये सोचना भी मत कि हम तुम्हारे साथ चले जाएंगे। आखिर आप लोगों को मसला क्या है? हमीद भाई मसला ये है कि हमें शादी को कबूल नहीं कर रहे और वो लोग इस बात पर इसरार किए जा रहे हैं कि हम आपकी शादी में शरीक हों। वो लोग हमारी शिरकत से सिर्फ और सिर्फ आपकी शादी को एक बाइज्जत खानदानी शादी का नाम देना चाहते हैं, दैट्स इट। यही तो चाल है उन लोगों की कि हम शादी में शरीक हो जाएं, हमारे पोता पोती जो है वो तस्वीरें देखें, पूरे खानदान में हम रुसवा हो जाएं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहें। हमीद भाई उनसे कह दें कि दोनों हाथों में लड्डू रखने की कोशिश ना करें वो लोग। शादी वो लोग सिर्फ पैसों के लिए कर रहे हैं और बीच में इज्जत को ना लेके आए। अरे तुम खामखा उन पर इल्जामात लगा रहे हो, तुम तो जानते भी नहीं हो उन लोगों को। जानने के लिए बचा ही क्या है? एक औरत से उसका शौहर छीन लिया, 2 बच्चों से उसका बाप छीन लिया और सब छीनने के बाद शादी रचा रहे हैं वो लोग। छोड़े हमीद भाई, मैं क्या बोलूँ आपको। नहीं बोलो, बोल दो, आखिर क्या है क्या तुम्हारे दिल में, बोलो खुल के बोलो। क्या कुछ दे रहे हैं आप उनको बताएं? मैं उन्होंने कुछ नहीं मांगा, जो कुछ दे रहा हूँ मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ कि उन्होंने आपके सामने हाथ फैलाए? फरीद, तुम्हारी जायदाद या तुम्हारे हिस्से में से एक फूटी कौड़ी नहीं दे रहा मैं, तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे इससे मतलब होना चाहिए, मेरे भतीजे और भतीजी के हक पर डाका डाला जा रहा है। अब बदतमीजी कर रहे हो तुम, गटर से साफ पानी की उम्मीद रखना सरासर हिमाकत है। मैं माफी चाहता हूँ। मैंने आप लोगों के कहने पे एक बार फिर कोशिश करके देख ली, लेकिन मेरे घर वाले बारात में शिरकत करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो फिर क्या अम्मी, जब वो कह रहे हैं कि हर तरह की कोशिश कर चुके हैं तो अब और वो क्या कर सकते हैं? अगर ये नहीं कर सकते तो मुझे आपके आइंदा के तहफ्फुज़ की फिक्र ज्यादा होने लगी है। हाँ, एक तरफ सारा खानदान, दूसरी तरफ ये अकेली, कल कला को कुछ हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए मैं आप लोगों के खदशात दूर करने के लिए एक मकान लेकर अक्सर के नाम पर करने को तैयार हूँ। अरे नहीं नहीं, हमारा ये मतलब नहीं था। मैं अक्सर के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ जो मेरे बस में। देखो तुम अपनी खुशी से करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। बारात तो आएगी, अब चाहे मेरे घर वाले शिरकत करें या ना करें, मेरे दोस्त यार मिलने जुलने वाले बहुत सारे हैं। आप मुझे अफराद बता दीजिएगा, मैं उससे ज्यादा ही लोग लेके आऊंगा। सही है, फिर कोई नेक साथ देखकर तारीख तय कर लेते हैं। हमीद, वो नफीसा को तलाकनामा भिजवा दिया? नहीं, एक दो दिन में भिजवा दूंगा।
उसकी रिसीविंग मुझे जरूर दीजिएगा। हाय, कोटा नोटिस है? क्या है बेटा? बेटा, इस कागज के टुकड़े की क्या हैसियत है? इस कागज के टुकड़े ने तो 20 साल का सांस छीन लिया। पापी, आप ही तो कहती थी कि वो साथ थे ही कबाब के। नहीं था वो साथ, लेकिन मत रो मेरी बेटी। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूं, तुम इस घर की बहू हो, खानदान का नाम तुम्हारे ही बच्चों से चलेगा। भाभी, ये सब करके आपकी जिंदगी पे क्या असर पड़ेगा? सारा खानदान आपके साथ खड़ा है, हत्ता के बच्चे तक आपके पास हैं। नफीसा बेटा, दो लफ्ज बोलने से या इन कागज के टुकड़ों से रिश्ते बनते बिगड़ते? नहीं, रिश्ते तो बेटा मान सम्मान से बनते हैं। शुक्रिया मेरी बच्ची। चुप हो जा, हम तेरे साथ हैं ना, हैं? बस जी छोटा नहीं करा। अम्मी, कोई है घर में? आई आई। अरे तुम अकेली आई हो? नहीं, ड्राइवर के साथ आई हूँ। बाहर तो देखें, ये मेरी गाड़ी है। अरे वाह, गाड़ी तो बड़ी प्यारी है। आओ आओ, अंदर आओ। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही थी। हाँ, आपने गाड़ी देखी? बहुत अच्छी है। मैं यही कह रही थी, इंतजार कर रही हूँ। मैंने कहा कब आएगी, कब से। क्या बताऊँ मैं आपको अम्मी, घूमने फिरने से और खाने पीने से ही फुर्सत नहीं है। अभी तो हम 5-स्टार होटल में रुके हुए हैं ना। अरे बेटा, कब तक हो वहाँ पर? भाई, जब तक हमारा जी चाहेगा तब तक रहेंगे। असल में ना मेरा बंगला फर्निश हो रहा है, तो एक आध हफ्ते में वो फर्निश हो जाएगा, फिर हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अरे बेटा, तुम लोग खुश रहो, बस हमें और क्या चाहिए। अरे अपने माँ बाप और बहन भाइयों के बगैर कौन खुश रहता है भला। कुछ दिनों की बात है, फिर मैं सब सेट करवा दूंगी और आप लोग तो मेरे साथ ही रहेंगे। बेटी, तुम आई हो? जी अब्बू। अरे भाई, बड़ी शानदार गाड़ी है, मैं तो गाड़ी देखकर समझ गया था कि तुम आई हो। अरे ये किसी होटल में ठहरे हुए हैं। अरे बेटा, वो क्या नाम बताया था? अरे अम्मी, 5-स्टार होटल। तो वो हमीद मियां नहीं आए? नहीं अबू, वो जरा कारोबारी मामलात में थोड़े मसरूफ हैं, इसलिए नहीं आए। अच्छा अम्मी, अभी मैं चलती हूँ, मैं फिर बाद में आऊंगी, क्योंकि घर के बहुत सारे काम है, फर्नीचर वगैरह, बहुत सारी चीजें लेनी है अभी। अरे नहीं बेटा, ऐसे जाने नहीं दूंगी मैं, खाना खा के जाना। नहीं, खाना नहीं खा सकती ना, असल में हमीद ने कहा है कि वो हम लंच किसी रेस्टोरेंट में करेंगे, तो वहीं खाना पड़ेगा। अच्छा बेटा, जल्दी आना लाजमी। मैं आऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 340 के तहत अगर कोई शख्स किसी की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद करके उसे जबरन मबहूस रखता है, तो उसे सेक्शन 341 के तहत 1 माह की कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है, या सेक्शन 342 के तहत 1 साल तक कैद और जुर्माने की सजा होगी।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ड्राइंग रूम में कौन है? कोई भी थी। तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया क्या? मैं ड्राइंग रूम में बैठूंगा। साहब वो बड़ी बेगम का हुक्म है कि आप जब भी तशरीफ़ लाएं तो आपको ड्राइंग रूम में बिठाया जाए। तो अम्मी ने भी पल में पराया कर दिया। बच्चे का है? साहब वो बेगम साहिबा के साथ कमरे में। उनको बता दो कि मैं आया हूँ। जी बेहतर। साहब बच्चों को बताकर आ गया हूँ कि आप आए हुए हैं। अगर आपको कुछ चाहिए तो आपके लिए लाऊं? एक गिलास पानी। साहब पानी। हाँ साहब आपको इतना शदीद पसीना आ रहा है? तबीयत तो ठीक है मगर मौसम तो ऐसा नहीं है साहब। पता नहीं मुझे। बच्चे नहीं आए? साहब मैं बताकर तो आ गया था। आप कहते हैं तो मैं दोबारा चला जाता हूँ। नहीं वो नहीं आएंगे। कोई भी नहीं आएगा। मैं जा रहा हूँ। हेलो कौन? शौकत भाई जी। क्या डेथ हो गई? शौकत भाई आपका दिमाग ठीक है? क्या कह रहे हैं? जी जी मैं फौरन निकल रहा हूँ। ओके इतनी रात को किसका फोन आया? खैरियत तो है? अम्मी अम्मी अमित भाई, अमित भाई हॉस्पिटल में है, खैरियत नहीं है ना। किसने बताया? अमित शौकत भाई ने बताया। शौकत भाई का फोन था। अमित भाई वही हॉस्पिटल लेके गए अमित भाई को। रुक जा मैं भी चलती हूँ। नहीं नहीं आप यहीं रुके, बस दुआ कीजिएगा प्लीज। मैं जा रहा हूँ। अम्मी वो औरत और उसके माँ बाप आए। उनको कदम नहीं रखने देना हमारे घर में। वो लोग घर के बाहर ही खड़े हैं। अम्मी आने दे उन्हें। उन्हीं लोगों ने मेरे बेटे को मारा है। अम्मी घर के बाहर और भी लोग हैं। मैंने कहा था कि वो मेरी चौखट पार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आने दे अम्मी उनको। पागल हो गई है क्या? नहीं अम्मी वो उनकी मन गुहा है। जनाजे में शिरकत करना जरूरी है। आने दे। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को, नहीं मानती। बच्चे को कहाँ गए वो लोग? खुदा के लिए आने दे अम्मी। अम्मी देखें भाभी ठीक कह रही हैं, आप खामा खा सीन क्रिएट कर रही हैं, अच्छी बात तो नहीं है ना ये। बस
तो सिर्फ चेहरा दिखा दो, अब किसी घर वालों से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उन लोगों से। आप ही बता दीजिए मैं क्या करूं, जोर जबरदस्ती करूं, अपने घर वालों के सर पे पिस्तौल रखूं और बोलूं मेरी शादी में शिरकत करें? देखिए मैं आप लोगों के खदशात दूर करने के लिए मकान लेकर अक्सर के नाम पर करने को तैयार हूं। दो तीन घंटे की तो बात है, उसके बाद आप लोग अपने घर आ जाइएगा, मैं वादा करता हूँ आपसे तुम्हारा टिकट भी नहीं बोलूंगा उन लोगों से मिलने के लिए, लेकिन प्लीज प्लीज मेरे साथ। मैंने तुझे दूध नहीं बख्शा, दूध नहीं बख्शा, मैं रोज़े अशर तुझे माफ नहीं करूंगी। अरे आज तो इतनी बेइज्जती हुई है कि जिंदगी में कभी नहीं हुई थी। ऐसा लग रहा था हम कोई अछूत हैं, हर आंख हमारा ताकुब कर रही थी, इसीलिए मैं कह रही थी हमीद से कि अपने घर वालों को शादी से पहले यहाँ लेकर आए। हमीद की माँ ने तो हद कर दी, मैयत पे खड़े होकर कह रही है कि दूध नहीं बख्शूंगी। तौबा तौबा तौबा, कितनी खबीस औरत है। मरने के बाद तो दुश्मनों को भी माफ किया जाता है। मैं तो ये सोच रही हूँ हमारी बेटी अक्सा इन मुर्दाखोरों से कैसे निमटेगी। आज होने वाली बेइज्जती का हिसाब हमीद के खानदान के एक एक फर्द को देना पड़ेगा। ये कोई रास्ते में पड़ा हुआ कंकड़ थोड़ी कि जिसका दिल चाहे ठोकर मार दे। मैं आज कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, लेकिन इस खानदान के लोगों को मैंने भी अगर छठी का दूध ना याद दिला दिया तो मेरा नाम भी अक्सर। कोर्ट का नोटिस? कोर्ट का नोटिस आ चुका है। मोहतरमा ने जायदाद में हिस्से के लिए कोर्ट में मुकदमा कर दिया। ये तो होना ही था, मगर इतनी जल्दी मुकदमा करेगी इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। फरीद, उसका जो भी बनता है दे दिल अगर खत्म करो, मुकदमेबाजी में कुछ नहीं रखा। नहीं भाभी, मैं वकील से बात करूंगा और जो भी होगा कानूनी मशवरे के तहत हम आगे की सोचेंगे। फरीद, मुकदमा जम के लड़ना, उसने हमारा घर तबाह किया है। नफीसा की तरह मुझे महान बनने का कोई शौक नहीं है। अम्मी, मैं महान नहीं बन रही हूँ, मैं क्या करूँगी महान बन के? मैं तो बस उनकी रूह को तकलीफ नहीं देना चाहती। अच्छा, अगर उसके बच्चों का हक दूसरे लोग खाएंगे तो क्या उसकी रूह को तकलीफ नहीं होगी? नफीसा, अजीब मंतक है तुम्हारी। होगा तो वही जो आप चाहेंगी, लेकिन मुकदमेबाजी में कोई फायदा नहीं है। फरीद बेटा, तुम मुकदमे की तैयारी करो। जी अम्मी, जैसा आप कहें। अम्मी, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 413 के तहत कब्जा की हुई जायदाद की खरीदो फरोख्त की पादाश में उम्र कैद या 10 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है।
वकील साहिबा जी, जायदाद की तकसीम का मुकदमा दायर किया है, इस बारे में आपसे कुछ मशवरा करना था मुझे। ये मुकदमा आपकी भाभी ने किया है क्या? जी नहीं, मेरे मरहूम भाई की बेवा ने। पहलियाँ क्यों बुझवा रहे हैं आप? जी नहीं, दरअसल मेरे भाई ने मेरी भाभी को तलाक देने के बाद इन खातून से शादी की थी और हमारी फैमिली ने इस खातून को किसी भी हैसियत से कबूल नहीं किया, लेकिन देखा जाए तो ये मेरे भाई की बेवा है। अच्छा, तो इन खातून से आपके भाई के कितने बच्चे हैं? नहीं, कोई औलाद नहीं है इनकी। और आपकी भाभी से? जी, उनसे दो बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी। अच्छा, आप बता रहे हैं कि आपके भाई ने दूसरी शादी एक माह पहले की, तो उन्होंने अपनी पहली बीवी को तलाक कितना अर्सा पहले दी? यही कोई तकरीबन एक महीना पहले। अच्छा, तो कानूनन तौर पर तो ये तलाक हुई ही नहीं। क्या मतलब है आपका? मैं कुछ समझा नहीं आपकी बात। भाई, बिल्कुल सीधी सी बात मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपके भाई का इंतकाल एक महीने के अंदर हुआ है और उस दौरान उन्होंने अपनी बीवी यानी आपकी भाभी को तलाक दी है, तो कानूनी तौर पर तो ये तलाक हुई ही नहीं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि मेरी भाभी मुतालका नहीं हुई अभी तक? जी हाँ, मैं आपको बिल्कुल यही कह रही हूँ। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुना दी एक बुरी खबर के बाद। देखिए, ये कोई खबर नहीं है, ये कानूनी हकीकत है। चले, मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपको केस डिस्कस नहीं करना था? जी, मुझे ज़रूर करना था, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं चाहता था कि पहले अपनी वालिदा और भाभी को ये बात बता दूँ उसके बाद। चलिए, ठीक है, आपकी मर्जी। थैंक यू। मुझे आप दोनों की मौजूदगी में कुछ ज़रूरी बात करनी थी। वही मुकदमेबाजी की बात होगी। आप अम्मी, मुझे तो मुकदमे का सुन के ही इख्तलाज शुरू हो जाता है। अरे आप सुने तो सही, आपके इख्तलाज का भी इलाज हो जाएगा। पता नहीं क्यों आज अजीब सी कैफियत है मेरी अपनी, एक दुख से खुशी तो नहीं कह सकते, लेकिन इत्मीनान ने ज़रूर जन्म लिया है। बेटा सीधी सीधी बात करो ना, फलसफी ना बनो। अम्मा कभी तो इज्जत रहने दिया करें। खैर, मैं आज वकील साहिबा के पास गया था, उन्होंने कहा है कि कानूनी तौर पर भाभी हमीद भाई की मनकूहा है, कानूनी तौर पर उनकी तलाक नहीं हुई हमीद भाई से। अच्छा, यानी कि तुम्हारे कहने का मकसद ये है कि नफीसा आज भी हमीद की बेवा है? ये कानून की बात है ना, कानून ही जाए। भाभी, मैं जानता हूँ कि आपको भाई की जायदाद में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन कम से कम आपकी हक तलफी का अजाला तो हो। ये तो बहुत अच्छी बात है। उस कलमोही ने जिस मकसद के लिए तलाक दिलवाना चाहिए वो तो नाकाम हो गई। और देखो बेटा, मैंने इसीलिए कहा था कि मुकदमा जम के लड़ना। वकील साहब, आप मुकदमे की तैयारी करें और इसके अलावा जो जो दस्तावेजात आपको दरकार हैं आप मुझे बता दीजिएगा। जी फरीद साहब, मुझे जो भी ज़रूरी दस्तावेजात दरकार होंगी मैं उनकी लिस्ट बनाकर आपको एक दो दिन में दे दूँगी। अच्छा वकील साहिबा, आपको यकीन है ना कि भाभी को उनका हक मिल जाएगा? जी जी, मुझे इतना ही यकीन है जितना, खैर छोड़ें आप इस बात को, लेकिन मैं ये ज़रूर बता सकती हूँ कि हमारी अदालतों में ऐसे बहुत से फैसले मौजूद हैं जिनमें यह कानूनी नुक्ता तय हुआ है। वकील साहिबा, देखें, कानून की ज़ुबान तो मैं नहीं समझ पाऊँगा, लेकिन आप इस तरह समझा दें कि मैं घर वालों को ये बात समझा सकूँ। यूँ समझिए कि फैमिली मुस्लिम लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 7 के तहत मियाँ बीवी में मुफाहमत कराने के लिए 90 दिन का वक्त दिया गया है। 90 दिन के दौरान मुफाहमत ना होने की सूरत में तलाक नाफिज हो जाती है, और अगर शौहर का इंतकाल 90 दिन की मुद्दत से पहले हो जाता है तो तलाक नाफिज नहीं होती, क्योंकि शौहर को यह हक हासिल था कि वो तलाक की तंसीख कर सकता था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने आसान लफ्ज़ों में मुझे ये बात समझा दी। कोई बात। आसिफ भाई, ये मैं क्या सुन रही हूँ, क्या पढ़ रही हूँ? क्यों, क्या हुआ? अरे ये जो इनका जवाब दावा है, इसमें लिखा है कि पहली बीवी को तो तलाक ही नहीं हुई। अच्छा अच्छा, आप उस वाले हिस्से का तस्करा कर रहे हैं। आसिफ भाई, आप इतने पुरसकून बैठे हैं, मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं। भाई मैंने तो शादी इसी शर्त पे की थी कि पहली बीवी को तलाक दी जाए, और निकाह नामे में हमीद का मैरिटल स्टेटस तलाक याफ्ता है। अरे ऐसे मामलात अदालत में उठाए जाते हैं,
फिर आप मुझे ये बताएं कि मैं कहाँ खड़ी हूँ, क्योंकि मेरे हिस्से में से तो आधा उसकी पहली बीवी लेकर चली जाएगी। आप मोहल्लेदार हैं इसलिए केस आपको दिया था। अरे आप फिक्र ना करें, जो भी होगा अदालत में देख लेंगे। और ये उन्होंने क्या कानून का हवाला दिया है, ये क्या है सेक्शन 7, ये क्या है? भाई हमारे हिसाब से ये तलाक बाइन है जो फौरी नाफिज हो जाती है। आसिफ भाई आपको ऐसा लगता है कि मेरा हक महफूज है और नफीसा को तलाक हो गई है? बिल्कुल 100% आपका हक महफूज है। चलें ठीक है, फिर मैं पुरसकून हो गई। अरे बेटा आप तो जानते हो कि मैं पूरे मोहल्ले के बच्चों को अपने बेटों की तरह समझता हूँ। बिल्कुल, बस अपनी बहन को इसका हक दिलवा दो। अरे अंकल इनका हक पूरा इनको मिलेगा इंशाल्लाह, अल्लाह का भरोसा। कल हमारे मुकदमे की पेशी है। तो क्या फैसला कल ही हो जाएगा? नहीं नहीं अम्मी, मुकदमा तो काफ़ी लंबा चलेगा, लेकिन इस बात का फैसला हो जाएगा कि हमीद भाई की विरासत में भाभी भी हिस्सेदार हैं। मैं तो कल सुबह फजर से ही तस्बीह लेकर बैठ जाऊंगी। भाभी को तो कोई ख़ास दिलचस्पी है ही नहीं इस मुकदमे में। ऐसी बात नहीं है फरीद, मैं जायदाद से बढ़कर अपने बच्चों की बाप की मनगुआ होने पर मुतमईन हो जाऊंगी। मेरी बस यही ख्वाहिश है, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आज आपने हमारा बहुत बड़ा मसला हल करवा दिया। जी, अब आपकी भाभी भी आपके भाई की जायदाद में हिस्सेदार हो गई हैं। यकीन करें वकील साहिबा, ये जायदाद का मसला था ही नहीं। अगर इतनी जायदाद वो हमारे खानदान से मांगती तो हम अपने भाभी और बच्चों के सदके में देते। कभी कभी इंसान तजस्सुब का शिकार हो जाता है, यानी मेरे लिए ये फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया है कि आपकी भाभी खुश नसीब खातून है या एक तरफ तो उनके शौहर ने बेवफाई की और दूसरी तरफ सास और देवर और पूरा खानदान उन पर इतनी जान छिड़कता है। अगर आप भी कोर्ट नंबर 5 में कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@summer.tv।